कल्ली पतंग उड़ा रहे हैं दे भैया। कौन उड़ा रहा है? आकाश भैया। भैया आज फिर वापस छत पे चढ़ गए। वो कहाँ गई? ओरी 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 ओरी। और कल वाला जो भी था ना वीडियो, वो सारा इन दोनों ने शूट किया था और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और उसमें कितना स्क्रीन किसने तोड़ रखी है? कितना है ना, कितना उसमें वो किया था इन्होंने। आकाश भैया टूटी हुई है। और ये भाई लड़ गई पतंगे, लकड़ी। इधर 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 कैमरे की तरफ देखते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। जब तू ये देख फिर ये कहाँ टिकट है। सही है, मेरे को पकड़ना नहीं आता है। छोड़ दे। हाँ सही है। तो भैया आप दिया के हाथ में टेकल दिया कर रही है, आप देखते हैं दिया कैसे टेकल करती है। मुझे लगता नहीं, सामने पतंग दिखा दे, पतंग खराब हुई पूरी हाल पतंग और बचा दी इतनी ऊंची और काफी देर लग गई एक पतंग के अंदर ही। एक पतंग फट गई, एक उधर फंस गई, एक के तंग टूट गए। इतनी सारी मशक्कत के बाद में फाइनली हमारी पतंग वहां पहुंच चुकी है। ऊपर हमारी पतंगों के पास में दिखा, ऊपर दिखा, ऊपर झूल दिखा। पतंग देखो, पतंग एक ये एक वो और एक हमारी बीच में फंसी बेचारी पतंग। तो मैं देख रहा हूँ मेरी पतंग थोड़ी सी और लंबी निकल जाए, बिकॉज तभी मजा आएगा लड़ाने का। ऐसे तो मजा आएगा नहीं, तो पैचे ऐचे करेंगे, देखते हैं पैचे होते हैं नहीं होते। पहली बार में बेइज्जती करवाते हैं। भागो भागो, पतंग हमारी ओरी और हरी वाली आ रही है बीच में। तो भैया अब देख ले, अब पेचे होने वाले हैं, अब कहीं ना कहीं कटेगी या कटवाएंगे, देखते हैं अब क्या होता है सीन। कटेगी, बट वो हरी वाली तो भग गई। कटवाएंगे, हरी वाली तो भग गई। तो तुम क्या कैमरे में तो देखा करो, तुम पता नहीं कहाँ देखते हो, कभी उधर कर देते कौन कौन कौन, पता नहीं क्या करते तुम। कल तुमने बिल्कुल वीडियो बिगाड़ रखी थी सारी, दोनों के दोनों ने। आज फिर से मैं छत आ गई हूं। लो 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 लो, वो भग गया। तो आया वो काटे, अरे बेइज्जती करवा दी। बेइज्जती करवा ली नीचे, मैंने ऊपर वाली पतंग पे ध्यान था, नीचे वाली पतंग पे ध्यान नहीं था। तो बेइज्जती हो गई बढ़िया वाली, और बचा कटवाई भी तो पन्नी की पतंग से, बिकॉज मेरा ध्यान नहीं था। सही बात तो ये थी कि मैं देख रहा था ऊपर दूसरी पतंग को, वो नीचे से आके कब उसने कर दिया, फिर भी कोशिश तो करी। और सीरियसली बताऊँ, काफी दिन बाद में हाथ में ले रहे ना पतंग, तो थोड़ी सी वो भी दिक्कत रहती है ना कि यार काफी दिन बाद में उड़ा रहे हैं। चलो कोई ना, अभी देखो दूसरी पतंग उड़ाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको जलवा। इस पतंग इस वाली पतंग से तो नहीं दिखा पाया, अगली पतंग एक पतंग तो हमारी उस बिल्डिंग में अटक गई। अब अटक गई कोई बात नहीं, अभी मिलता हूँ मैं आपको दूसरी पतंग में, तंगंग डालते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं। काफ़ी देर से एक पतंग लंबी नहीं जा रही थी हमसे, तो अभी मैंने पुरानी पतंग में से एक पतंग निकाली है, तो अभी पेचे लड़ाने की बारी आई है। तो ऑलमोस्ट मैंने लंबी तो दे दी है, बट अभी थोड़ी और लंबी देंगे, क्योंकि जब तक मज़ा नहीं आता जब तक सद्दा हाथ में नहीं आए। और फिर इनको बताते हैं एक एक करके, और देखते हैं अब की बार बेइज्जती करवाते हैं या करते हैं, क्योंकि बेइज्जती करने में मज़ा आता है, करवाने में मज़ा नहीं आता है। एक बार करवा चुके हैं बेइज्जती, तो आई होप अब की बार बेइज्जती ना हो और पेचे लड़ जाए और कट जाए पतंग। अब दिखा दिया, आगे दिखा जरा हमारी पतंग वोरी और ये लगे पेचे। हमारी पतंग उरी 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 आई, एक और आई, आई 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 यही सही हो, चलो यही सही है, यही सही है, कोई और ही है। कटी नहीं, आकाश है यार, क्या है यार कोई। ये देखो पहले से ही कटी। एक बार एक पतंग तो बज गई, और अभी लंबी निकालते हैं, क्योंकि वापस से लंबी निकाल के फिर लड़ाएंगे। और है ना, एक तो हाथ का संतुलन नहीं बैठ रहा अभी बिल्कुल ही, तो काफ़ी दिन हो गए ना पतंग उड़ाए, और काफ़ी दिनों के बाद में दोबारा पतंग उड़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझ सकते हो कि इतनी दिक्कत होती है। और ऋषभ चले गया नीचे। हाँ चले, वो देखो वो लगे बच्चे, लगे 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 कैसे लगे, काटो उसकी काटो।
अरे रे 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 दूसरी बार नहीं तीसरी बार बेइज्जती करवाते हुए तीसरी बार दूसरी पहली बार कौन सी कटवाई वो कौन सी कटवाई थी कौन सी कटवाई थी अटकी किस सदी तो अटकी उसको बेचती थी कि नहीं अरे वाह दिया रे चलो अच्छा दूसरी बार बस दूसरी बार बेइज्जती करवा दी है राम तो भाई बेइज्जती तो हुई है बढ़िया वाली सोचा था कि मतलब क्या कहते हैं पतंग काटेंगे बट काटी नहीं कटवा ली बेइज्जती तो हुई है बहुत जोरदार नीचे से आवाज आई डोर खींचो डोर खींचो मगर है ना काटूंगा जरूर ऐसी बात नहीं कटवाऊंगा काटूंगा नीचे से आवाज आ रही डोर खींचो डोर खींचो अभी क्या करते हैं उस चरखी को लपेटते हैं और दूसरी पतंग में तंग डालते हैं और उसको लंबी करते हैं आप लोगों के सामने कितनी बेइज्जती कराई बट एक सीरियसली बता रहा हूँ एक पतंग काट के जो सुकून मिला ना मजा आ गया और अब क्या तो भैया मेरा बदला मेरे छोटे भाई ने लिया चलो कोई बात नहीं छोटा भाई छोटा ही रहता है तो उसने काटी चाहे मैंने काटी बात एक ही है और अभी हम इतनी देर से गाने वाने भी सुन रहे थे ऊपर ब्लॉग भी शूट कर रहे थे तो ये बस अब नीचे जाने की बारी आ चुकी है तो अच्छा ये वैसे भी कुछ नहीं पकड़ेगी कल आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्यों नहीं पकड़ेगी भाई बहुत गंदा सीन था कल वाला और वेब सब उठा लो तो अपन पहुँचते हैं नीचे और आते हैं वापस आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर बाद में नीचे पहुँच के फिर वापस से दिया छत पे अटक गई है और देखते हैं उतर पाती नहीं उतर पाती नहीं मैं तो हिला ही नहीं रहा आ जा फटाफट आ जा मैं नहीं हिला रहा यार आ जा तो अभी घंटी भी बज रही है मंदिर की मेरे को मैं फिर दुकान को जाना है और ये समझ नहीं रही और ये हट आ भी नहीं रही नीचे अब देखो नाटक करके दिखाई अरे आ जा यार नाटक क्यों कर रही है दिया यार नाटक मत कर आ जा मम्मू भी कह दिया आ जा फिर पापा आएंगे एक घंटे बाद में तभी उतरेगी नीचे ध्यान रखना मैं तो नहीं उतार रहा वो बंदर आगे पीछे थे वो बंदर आगे उनके छत पे आ जा फटाफट आ जा फटाफट आ जा अरे आ जा यार मैं क्या अरे अब कहाँ पीछे करूँ गम लेके नहीं टच कर रहा तू आ रही है तो आ जा नहीं ऊपर ही टंगी रहे मैं नहीं मैं मेरा दिमाग तो खराब करे मैं आ फटाफट आ जा अरे मैं बोल रहा हूँ आ जा नीचे यार जबरदस्ती के नाटक करती है यार अभी हम नहीं उतरे क्या हम नहीं उतरे क्या नीचे तू उतर रही स्पेशल छोड़ दो मम्मी जाओ आप काम करो कल भी ये सीन हुआ था छत पे चढ़ गई थी और उतरने के बारे रोई थी और आज भी छत पे चढ़ी और रो रही है तो नीचे उतर जाना यार क्यों नाटक कर रही है तू आ जा मैं कह रहा हूँ आ जा मैं छोड़ के चला जाऊंगा मेरा दिमाग तो खराब करे मत मेरा दिमाग तो खराब करे मत ये लो इतनी सी बात के लिए उसने चाचा को फोन कर दिया भाई ये बच्चे हैं ना इनका कुछ भी नहीं हो सकता भाई ये एक नंबर के एंटी आइटम है अब इनको इसको सपोर्ट दे रहा है कौन इसकी मम्मी बड़ी मम्मी अब भी हिल रही है जा मार खाएगा क्या बोली क्या बोली चाटा मारेगी है मम्मी के बचा लेगी अब तो इसकी बड़ी मम्मी ने उसको डरा दिया अब तो मतलब लास्ट टाइम तो मैं डरा रहा था बट अब की बार तो इसकी बड़ी मम्मी ने इसको नहीं छोड़ा हाय राम मजे आ गए मजे गोलगप्पा ही हमारा गोलगप्पा खूब डरता है यार वैसे तो नहीं डरता बट नाटक खूब करता है और इसका चेहरा देखो जरा ऋषभ आज फिर रोई है और अभी अपन चलते बाहर चाचा बैठे हैं तो उनके पास चल के बैठते थोड़ी देर और हाथ पैर धोते हैं थोड़ा सा हाथ पैर भी गंदे हो गए और दुकान पर पूजा भी करनी है तो पूजा वूजा करके और फिर दोबारा मिलते हैं आपको तो भैया रात के बज रहे हैं 9 अभी अभी खाना खाया और हमारे ये दोनों जने पागल हो रहे थे बोले नहीं आग जलाओ मेरी तो इच्छा नहीं थी तो
मैं तो अंदर रजाई में लेट चुका था, बट यार ये लोग बोले आके नहीं कंबल में, बट ये आके बोले नहीं नहीं जलाओ जलाओ जलाओ, तो मेरे को ये जलानी पड़ी नहीं, अदरवाइज तो मेरा मूड भी नहीं था। और अभी अभी जस्ट खाना खाया ना, तो सारा खाना भी सेटल डाउन करने में लगे थे, बट अब नहीं माने तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता ना इनको मनाने के लिए। क्या चीज? अभी बेटा अभी 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 कल वो ट्यूशन वाला आएगा ना, वो बताएगा तुम्हें। और छुट्टियां पड़ गई तो मैंने फिर भी लगा ली वैसी। अच्छा तभी ऋषभ भी पीछे शैतानी कर रहा था, अभी बहुत डांट खाई है, उसके बाद में भी नहीं मानता, मतलब शैतानी तो इतनी करने लग गया ना जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गया। अब ये देखो क्या लेके आया। अच्छा बेटा अभी डांट खाई ना चली, बर्तन तो पीछे चाची बर्तन धो रही है, ऐसे मैं सोच रहा कि बर्तन फेंक रहा है नहीं, चाची बर्तन धो रही है, तो एक आधा बर्तन गिर गया होगा सिंक से नीचे, तो उसी की आवाज़ आ रही है। कहीं आप लोग सोचो कि बोले नहीं कोई मतलब बर्तन वर्तन फेंक रहे, नहीं नहीं बर्तन वर्तन कोई नहीं फेंक रहा भैया, ये सीन था। बाकी तो बीत दिया, कल कितने बजे उठेगी? 10-11 बजे। 11-12 मैं तो नहीं मानता तू 11 बजे उठेगी। 11-12 बजे मुझे तो नहीं लगता, 1 बजे से पहले तू उठने वाली नहीं है, कल छुट्टी है ना तेरी, कल सुबह 7:30 बजे उठूंगी। है 7:30 बजे, इधर देखियो शक्ल दिखाइए। नहीं 7:30 नहीं तो 9 बजे बस सामने बैठ जा, यहाँ बैठ जा। ओए कद्दू आया, कद्दू उधर आ जा, उधर इधर तेरे कद्दू। दीदी का नाम बताओ गाइस, बता। जया दीदी किसने रखा? जबरदस्ती नए नए नाम बना दिया करो, मतलब इन दोनों को क्या है कुछ भी कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज सीरियसली बताओ ना, आज इतनी गंदी बेइज्जती कराई ना, अब 2-4 दिन तो छत पे चढ़ूंगा ही नहीं पतंग उड़ाने भाई। बहुत गंदी बेइज्जती होती है पतंग उड़ाने, 2-4 दिन तो चढ़ूंगा नहीं उसको, देखो आंखों में मिट्टी लग रही है। रखिया उसको अंदर, वही बैठ जा। ओहो आंधी आ गई, आंधी आ गई। ऋषभ फूका ना आंधी आ गई भाई, इसने इतनी जोर से फूका, मेरे को ठंड लगने लग गई। रजाई मंगाओ। आकाश ये लकड़ी इधर कर दो थोड़ी सी, और ये लकड़ी भी दूसरे वाली है, ये बोर्ड की लकड़ी है, अब ये जलते से जलेगी, तो ये मेरे को लगे भी नहीं रहा ढंग से जलेगी, ये तो जल भी नहीं रही ना ये तरीके से भाई। सबसे बड़ा दिक्कत है, लोहड़ी भी आने वाली है, बुआ भी आने वाली है, हाँ भी हमारा फेस्टिवल भी आने वाला है पंजाबियों का, तो 4 तारीख को सेलिब्रेशन भी करेंगे, और 10 तारीख को बुआ भी आएगी, उससे पहले बुआ और आ जाएंगे कभी तो भी। बस बाकी तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।